नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे घर पे अपनी फैमिलीज़ के साथ। एंड आज हमारा थर्सडे है, 20th of January। ओके गाइस, ये जो अभी है क्या कर रहा है ये अभी? अम्बिका सो गई है। दादी दादी फ्रूट्स खा रही है, ऑरेंज खा रही है। देखिए गाइस कैसा मौसम हो रहा है आज का, थोड़ी थोड़ी धूप आने को हो रही है। एंड अभी कैरेट खा रहा है ना अभी? आप कैरेट खा रही हो ना? आप कैरेट खा रही हो ना? ओके गाइस, आज हम लोग लंच में, मैंने सोचा है लंच में ना कुलचा बनाते हैं, कुलचे बनाते हैं एंड छोले कुलचे बनाएंगे हम चटपटे से एंड एंजॉय करेंगे। अनसॉल्टेड बटर लीजिए, अदरवाइज कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप। मैं अनसॉल्टेड बटर से बना रही हूँ। मैंने जीरा लिया है, 2 लौंग लिए, मैंने काली मिर्च ली है, तेज पत्ता लिया है, ये मैंने थोड़े ले लिया, इलायची को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया वो है ये, एंड ये आपका अदरक है, अदरक लिया मैंने। साथ में हमने जो है लहसुन का पेस्ट लिया है एंड हमारे प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए है एंड हमारे टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए। अब खड़े मसालों को अच्छी तरह भून लीजिए। उनका जो पेस्ट था मेरे पास ये अदरक एंड लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरीके से सोटे कर लेंगे एंड प्याज को अब इसके साथ हम सोटे कर लेंगे अच्छी तरह। टमाटर क्योंकि डल गया है तो हम इसमें, ताकि ये आसान और जल्दी पक जाए, तो हम इसमें अपने मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम नमक, आप अपना स्वाद अनुसार डालिएगा, ठीक है गाइस। हल्दी डालिए, मिर्ची डालिए एंड अगर आपके पास छोले मसाला है तो डालिए, अदरवाइज आपका नॉर्मल जो है सब्जी मसाला डाल। क्या किया हुआ है इसने, एक्चुअली पाउडर लगाया अपने फेस पे, है ना? अभी आपने पाउडर लगाई है ना अपने फेस पे, है ना? अच्छा, आप अपनी कार में भी लगा रहे हो और फेस पे भी लगा रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो बेबाप? मम्मी गाइस, हमारी जो बेबी है अम्बी छोटी वाली, वो एकदम सो रही है नहा धो के। दोनों बेबीज ने एक्चुअली सुबह सुबह नहा लिया था एंड देखिए इसको हम सुला देते हैं एंड देखिए अचानक से उठ गई है। इसको ना थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना तो ये उठ जाती है। हाय बेबी, आपको तो थोड़ी सी आवाज आ जाए तो आप उठ जाती हो, है ना? है ना? बस इतनी सी नींद थी आपकी? गाइस, बेबी की नींद जग गई है। बेबी को थोड़ी सी भी आवाज आती है ना तो ये उठ जाती है एंड देखिए गाइस हमारा अभी भी आ गया है। अब बेबी दादी के पास जाएगी क्योंकि मम्मा तो खाना बना रही है ना अम्बी? चलो दादी के पास चलते, आ जाओ, कम कम। सो गाइस हम जो है दादी के पास जा रहे हैं, अभी जो है दादी के पास लेके जा रहे हैं। अरे मुझे छोड़ो तो सही, एक मिनट। ये पाउडर लगा रहा था अपने फेस पे। अरे अभी छोड़ो तो सही। भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। और देखो टेडी कहाँ मेन रोड पे रख दिया इसने, साफ कर दिया उसने, कर दिया साफ, कर दिया, करवाया आपने? करवाया, झाड़ू मारा, पानी डाला ना। आप क्या करके आए अभी? वो टेडी आपने बाहर क्यों रखा हुआ है? भोले बाबा बना रखा,
हम भी अभी भी सो के उठी है, तो ध्यान से देख रहे हो। कुछ भी काम कर सकता है, कोई इसका कोई भरोसा नहीं। कहते रही पाउडर के गिर के आगे, मैं बता तो इसका जॉन सो पाउडर लगा रहा था अपना पूरा डब्बा, नीचे बैठ के यूं लगाओ यूं लगाओ, गर्मी में पूरा पूरा डब्बा खाली कर दिया और उसके ऊपर रौंद रहा सफेद हो गया पूरे फर्श में। अभी भी क्रीम लाता है, मम्मी मांगेगा फ्रिज पे पहुँचता, फ्रिज पे सारी क्रीम। अभी बड़े ध्यान से देख रहा है कि मेरी बातें हो रही है यहाँ पे, है ना? ताई को बोलता रहा था जय 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 जय, बातें कर। बेटा कोई ले जाएगा वहां से आपका टेडी, डॉगी ले जाएगा, फिर क्या करोगी? अच्छी तरीके से, ये देखिए बॉइल हो चुके हैं, ये देखिए ये अच्छी तरीके से हो चुके हैं। तो अब इसे जो है हम क्या चाहिए, ले जाओ ये लो, ये ले जाओ बाबा जी को देना, दे दो जाओ। देखिए गाइस, तो अब हम जो है इसे डालेंगे एंड हम उतना ही डालेंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है, जितना हमें चाहिए। एंड इसे आप बाद में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे चने के सूखे काफ़ी डिशेस बन सकते हैं इसमें। एंड यू नो एंड जो आपका ये होता है ना छोले, ये बेबीज़ को भी देने चाहिए, इसके बाहर के छिलके निकाल के बेबीज़ को भी देने चाहिए। चिक पी बोलते हैं इसे, चिक पी इज़ वेरी गुड एंड न्यूट्रिशियस फॉर किड्स, क्योंकि इसमें ना हाई लेवल पे प्रोटीन भी होता है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा इस तरीके से मैंने डाल दिया छोलों को। एंड अब मेरा ये पॉइंट आ रहा है कि मैं थोड़ी देर इस छोलों को डाल के पकने दूंगी। एंड गाइस अब हम लोग जो है कुलचे अपने जो है बना लेते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। एक्चुअली ना मैंने इन्हें सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी, बट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है बच्चों की वजह से, तो अब हम लंच में इसको सर्व करेंगे। इनको ना मैं दो दो करके काट लेती हूँ हाफ हाफ पोर्शन में, इस तरीके से इनको मैं इस तरीके से हाफ हाफ में काट रही हूँ, ताकि इसको तलने में मुझे मुश्किल ना हो। चाहिए तो आप इसके चार पीस भी कर सकते हो, अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो। मैंने इसके चार चार पीस कर दिए और इसे भी मैं बटर में ही करूँगी, राइट। मेरे पास न्यूट्रीलाइट का प्रोफेशनल अनसॉल्टेड बटर है, इसका नाम है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है गाइस। एंड ये जो है आप ऐसे रख दीजिए, खुद ही हो जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से आप जो है बेक कर लीजिए इस तरीके से। ये मैं कर रही हूँ। एंड गाइस कभी कभी खाना चाहिए ये सारी चीज़ें दोपहर में। यूजुअली नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ रीजन में हम लोग भात और दाल यूजुअली हम लोग खाते हैं। बहुत कम होता है कि हम रोटी खा रहे हो, रोटी तो एक्चुअली खाते ही नहीं है दोपहर में। यूजुअली सभी घरों में मोस्टली जो है दाल भात ही बनता होगा। तो मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि आज ना कुछ अलग हो जाए, मैंने कहा, क्योंकि मम्मी ले आई थी कल ये शॉप से, तो आई थॉट कि बेटर कि हम यही बना लेते हैं, है ना, कुछ अलग भी हो जाएगा एंड टेस्टी भी रहेगा ना। जो दादी को बुला के लाओ कुलचे एंड ये हो गई आपकी छोले। गाइस फिर आप एंजॉय करिए, एंजॉय कीजिए अपने छोले के साथ कुलचे, जो कि बहुत डिलीशियस हो रहे हैं। प्याज के साथ खाने में तो और भी मजा आ रहा है, और अचार में तो मजा आ गया। देखो बेबी कितना खुश हो रहा है, बेबी ओपन योर माउथ, वो वाला आ रही बेटा खाने वाला चलो। एंड ओके कुलचे गरम गरम
साथ में प्याज, साथ में थोड़ा अचार। सो गाइस फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं, कल मिलते हैं। सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड हमें इसी तरह सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय 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 बोलो वी।